अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। अमिताभ बच्चन नाम ही काफी है, नाम सामने आते ही एक छवि उभर कर सामने आ जाती है, सदी के महानायक की। हर अदायगी पर तालियां, सीटियां और ना जाने क्या क्या। एक टाइम वह भी रहा जब एक सप्ताह पूर्व ही सिनेमा हॉल के बाहर टिकट पाने के लिए लाइन लग जाती थी। वह एक दौर था और यह भी एक दौर है। प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हुए सोशल मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब जैसे अभी समझ में आया है। ऐसे में सदी के महानायक कैसे ट्रोल होने से अछूते रह पाते। अमिताभ बच्चन को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने यही लिख मारा कि कुछ नहीं है लिखने को। बस यहीं से चाहने वालों ने अपनी चाहत के सभी फासले मिटा दिए। ललित त्यागी ने लिखा है कि सर पेट्रोल 101 रुपए हो गया है, उस पर ही लिख दो या आप भी 2014 के बाद मौन हो गए हैं। कामरान आलम ने सुझाया है कि सर जी आपने इतना कुछ लिख दिया है, कुछ बचा ही नहीं। बिग फैन पेट्रोल 110 रुपए लीटर, यह एक टॉपिक जरूर है। दीपक मालवे ने लिखा है कि सुनील दत्त साहब ने नरगिस जी की स्मृति में कैंसर हॉस्पिटल बनवा दिया। आपने पर्दे पर बहुत शौहरत व दौलत कमाई, अब आप जीते जी कुछ ऐसा कर दो कि आने वाली पीढ़ियां आपको सैल्यूट करें। पर्दे के महानायक को वास्तविक जिंदगी का महानायक बनाओ बच्चन साहब। निरकुट सिंह लिखते हैं कि आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी महत्वपूर्ण सूचना हमें दी। इस खबर को सुनकर पूरे ब्रह्मांड में दिव्य ज्योति प्रज्वलित हुई है, इसके लिए हमारी सात पीढ़ियां आपकी आभारी रहेंगी। राजन यादव लिखते हैं कि देश के इतने बुरे हालात हैं, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था पर कुछ लिख देते अगर इंसानियत है तो। बाकी महंगाई पर आप कांग्रेस के जमाने में घुटन महसूस कर रहे थे। मोहम्मद सैफ आलम कहते हैं कि अभी कांग्रेस की सरकार आने दो, फिर कुछ लिखने को रहेगा तुम्हारे पास। योगेश कुमार डामर कहते हैं कि महंगाई, भ्रष्टाचार, पेट्रोल, डीजल, गैस आदि पर बहुत कुछ बोलने को है, लिखने को भी। देश के लिए बोलने का साहस कीजिए। अजय पांडे ने लिखा है कि पेट्रोल, बेरोजगारी बहुत कुछ है, बस चश्मा बदल कर देखिए, अपने जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। दीपेश प्रीति अग्रवाल ने कमेंट किया है कि आपकी लोकप्रियता भी पिछले लॉकडाउन से इस लॉकडाउन में अब तक कम हुई है, आपको भी पुनर्विचार की आवश्यकता है कि लोग आपसे अब क्यों कम प्रेम करने लगे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि अमिताभ बच्चन की इस पोस्ट पर 7,600 कमेंट हैं, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक करीब 90% से ज्यादा ने पेट्रोल, डीजल, भ्रष्टाचार, महंगाई पर साधी उनकी चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें ट्रोल किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।